कावासाकी अपनी एक नई मोटरसाइकिल इंडियन मार्केट में W175 को 25 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने टीजर वीडियो भी इसका जारी किया है, लेकिन ये मोटरसाइकिल लॉन्च होने से पहले इसकी स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी है। जो इसमें इंजन इस्तेमाल होगा, जो इसके स्पेक्स हैं, वो सारी सामने आ गई है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको कावासाकी की आने वाली W175 के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये मोटरसाइकिल अभी 25 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी और ये रेट्रो क्लासिक डिजाइनिंग वाली बाइक है, जिसका लुक आप देख सकते हैं। हालांकि ये मैं रेफरेंस के लिए इमेज यूज कर रहा हूँ, हो सकता है जब ये लॉन्च हो तो इसकी ग्राफिक्स थोड़े बहुत आपको अलग देखने को मिल सकती है। और हालांकि ये मोटरसाइकिल इंडोनेशियन मार्केट में बेची जाती है, कई सारे वेरिएंट मिल जाते हैं वहाँ पे, लेकिन फिलहाल जो स्पेक्स लीक हुई है यहाँ पे, इसमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिल रही है, जिसमें इबोनी और स्पेशल एडिशन रेड, ये दो कलर ऑप्शन के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकती है। तो इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है 177 cc का मिलेगा, जो कि एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन 2-वॉल्व इंजन दी गई है, जो कि लगभग 13 PS का पावर और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी। और ये 5-स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगी, जो कि केवल इलेक्ट्रिक स्टार्टर के साथ आती है। तो इसके टायर साइज की बात करें तो ये भी सामने आई है, जहाँ पे फ्रंट में 80/100 का 17 इंच और रियर में 100/90 का 17 इंच का टायर लगा हुआ है, और ये स्पोक व्हील के साथ आपको देखने को मिल रही है। जहाँ पे फ्रंट के साइड 270 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें जो सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है, फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में ड्यूअल शॉक ऑब्जर्वर सस्पेंशन दिया गया है। तो ये कुछ स्पेक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसका जो डायमेंशंस है ये भी सामने आई है, ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 165 mm की है, सीट हाइट 90 mm की है, फ्यूल टैंक से 12 L दी गई है, और इसका जो कर्व मास है 135 kg तक है। तो ये आपको कुछ स्पेक्स जो कावासाकी की आने वाली रेट्रो डिजाइनिंग वाली बाइक है W175 से रिलेटेड, वो सामने आ गई है लॉन्च होने से पहले। हालांकि इसके जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड इसकी प्राइस बता देते हैं, 1,50,000 के आसपास में ये एक्सरूम प्राइस में लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए आप कमेंट सेशन बता सकते हैं। और कावासाकी की ये W175 क्या आप भी एक बजट रेंज में देखना चाहते हैं, क्योंकि कावासाकी के जितने भी मोटरसाइकिल्स हैं इंडियन मार्केट में काफ़ी हायर प्राइस के साथ आती हैं, बड़े सीसी इंजन के साथ आती हैं, तो ये 175 cc में आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेशन बता सकते हैं, और इसकी प्राइस आप क्या देखना चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।